बेतिया में पंचायत समिति के सदस्य की हत्या कर दी गई। अपराधी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए, लेकिन वो जिंदा था। इलाज के दौरान हालांकि उसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले आरोपियों के नाम का खुलासा पुलिस के सामने कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। बेतिया में किस कदर अपराधी बेखौफ होकर हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली। अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य संजय यादव की बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन संजय ने मरने से पहले आरोपियों के नाम का खुलासा कर दिया। पंचायत समिति सदस्य की हत्या, पहले मारी गोली, फिर लाठी डंडों से पीटा। मरने से पहले संजय ने बताए आरोपियों के नाम। मुखिया कन्हैया यादव पर हत्या का लगाया आरोप। मामला बेतिया के नौतन के भगवानपुर पंचायत का है, जहां पंचायत समिति के सदस्य संजय यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन संजय ने दम तोड़ने से पहले आरोपियों के नाम पुलिस के सामने रख दिए। दरअसल संजय यादव भगवानपुर से आ रहा था, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने संजय पर हमला कर दिया। अपराधियों ने पहले तो उसके पैर में गोली मारी, फिर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। अपराधियों ने संजय को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। संजय के जिस्म में जान अभी बाकी थी। उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान संजय की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले संजय ने अपने कातिलों की पहचान पुलिस को बता दी। संजय ने मुखिया कन्हैया यादव पर हत्या का आरोप लगाया। उसने बयान दिया कि मुखिया कन्हैया यादव ने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। मामला भाई संजय यादव गईले सरपंच साहब के गोड़ टूटल पर देखे खतरा देख के उनसे लावटानी में अले तो लोग 8 जना गिबर है उनका के मारे खतरा के कन्हैया यादव के हम कन्हैया यादव मुखिया हम भगवानपुर पंचायत के। अच्छा, तो उनका साथ ही लोग घात कई गोली चलाओ उनका पैर में गोली मारल कन्हैया यादव अपने हाथे खुदे गोली मर ले काहे वो गोली चले दो फायर भइल बा दो को गोली लागल बा। संजय ने मरने से पहले बयान तो दे दिया, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और कब तक उन्हें सजा दिला पाती है। गुनाह के लिए बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।